ली जाएगी। जनपद में लगातार शासन के निर्देश के क्रम में भू माफियाओं एवं टॉप 10 अपराधियों पर जनपद पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। इसी क्रम में सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि 2017 से पहले जो भी पाप हुए हैं उन्हें धुलने का काम योगी सरकार कर रही है। राम राज्य में डबल इंजन की सरकार ऐसे भू माफियाओं टॉप 10 अपराधियों आदि पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। कि आपको बहुत बता दूं, पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार की नीतियां, जो भी गलत होगा, अवैध कब्जा होगा, गरीबों का कब्जा होगा, कहीं किसी को दबाव में कब्जा किया, गलत तरीके से पेपर बनाया गया, झूठे किसी से साइन ले ली गई, ज़बरदस्ती किसी से पेपर पर ज़मीन के साइन ले ली, पर डिस्प्यूट वाली ज़मीन को ख़रीदा गया जानते हुए कि यहाँ पे परिवार का पटीदारों का पटीदारी में कौन डिस्प्यूट चलाता, वो ज़मीन पे हाथ डाल दे, ओके खरीदा, वो सब समय गई। 2017 के पहले जो जो पाप गलत काम करने थे, हत्या करनी थी, लूट करना था, फरेब करना था, गरीबों को, पिछड़ों को, दलित समाज को मारना पीटना था, कूटना था, वो सब समय चला गया। ये पूज्य महाराज जी की राम राज्य वाली डबल इंजन मोदी योगी की सरकार है। यहाँ अन्याय, माफिया, गलत जमीन, अवैध कब्जा, झूठ बोल के रेलवे की जमीन पर कब्जा, अनैतिक कब्जा, अवैध कब्जा, झूठे पेपर बना के अब आप बच नहीं सकते हो। सरकार की, प्रशासन की पूरी, और भी लोग नपेंगे, अनगिनत लोग नपेंगे, जितने भी लोगों ने अनैतिक तरीके से ज़मीन पर कब्जा किया है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, किसी गरीब का, सब लोग नपेंगे बारी बारी। पाप का अंत होगा। पूज्य महाराज जी ने साफ कहा है, गलत लोग, गलत विचार के धारा के लोग, गलत जो लोग डराते हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग, माफिया लोग, भू माफिया लोग, कोई बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में तो कतई नहीं बचेगा।